बस मिनी पाकिस्तान है हरियाणा में मेवात मिनी पाकिस्तान हो रहा है मेरे भाई। अच्छा, में हाँ जी। अच्छा मोनू मानेसर के बारे में जानू? मोनू मानेसर जानू भाई, कैसे बंदे हैं? सोलिड बंदा भाई, जो यार रस्तिकारा इसके खिलाफ बोल रहा कि ये है वो है भाई। यार रस्तिकारा था मैं एक बात कहना चाहूँ, यार रस्तिकारा सारी बात झूठी बोल रहा है भाई। मैंने रात वीडियो सुनी, ग्रुप के साथ दिखा रहा है सारी चीजें। वो जो मोनू मानेसर के साथ लड़कियों की फोटो वायरल कर रहा हो देखे आपने, वो लड़कियों की तो खैर ब्लर कर रही थी फोटो, वो क्या झूठी है? झूठी नहीं, एक बात बता मेरे भाई। नहीं आप मानोगे इस बात का? बताऊंगा। 15 अगस्त की सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भाई और हार्दिक बधाई हमारी तरफ से, एनडी हरियाणा की तरफ से। फिलहाल भाई हम यहाँ पर मौजूद है पगड़ी भाई, तिरंगा झंडा अपने देश की शान है भाई, और हम बातचीत करेंगे आज एक छोटे ही टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब की बार तो प्रधानमंत्री जी जो है झंडा लहरा रहे हैं, और अगली बार अगला ही प्रधानमंत्री देखने को आपको मिलेगा शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है जब तक चुनाव हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी गांव के युवा आए हुए हैं, मतलब एक गांव के नहीं है, काफ़ी गांव के युवा आए हुए हैं, बातचीत कर लेंगे उनसे वो प्रधानमंत्री जी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे, आइए बातचीत करेंगे। पहले इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी नाम रणधीर सिंह है जी। रणधीर सिंह। अच्छा रणधीर सिंह जी, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में योगी जी होना चाहिए। अच्छा हाँ जी। क्यों मतलब ऐसा क्यों लगा आपने? मोदी जी ऐसे है नहीं काबिल की भाई दोबारा प्रधानमंत्री? मोदी जी जब तक है मोदी जी रहेंगे, लेकिन उसके बाद में योगी जी आएंगे। अच्छा राहुल गांधी आए तो क्या होगा? नहीं वो देश की कमान नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी? हाँ जी। तो ऐसा क्यों लगा आपने? नहीं उसके उसके वो काबिल नहीं है इसके पद के। मतलब काबिल क्यों नहीं है? नहीं उसमें दम नहीं है। नहीं चलो भाई बातचीत करें इस भाई ने पता। लेकिन भाई साहब अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ है भाई साहब। क्या नाम है? सागर है भाई। सागर कहाँ से हो? बड़े चलकाना? चलकाने दे। अच्छा ये बात होती प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भाई। अच्छा 2024 में कौन आने चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी आने चाहिए, पर हरियाणा सरकार बीजेपी नहीं आनी चाहिए भाई। हरियाणा में बीजेपी नहीं आनी चाहिए? या खट्टर ने बदलो या बीजेपी नहीं आनी चाहिए भाई। क्यों मतलब ऐसा क्यों लगे आपने? भाई आना चाहिए तो योगी पर आना चाहिए बंदा। अच्छा। सोलिड बंदा। अच्छा। जो हिंदुत्व के साथ रहा है उसके खिलाफ नहीं रहा है। बीजेपी सरकार हरियाणा में कटा है उसके साथ। अच्छा, लगता है कि खट्टर जो है हिंदू विरोधी है? विरोधी है कति भाई। क्यों कैसे लगे? मैं बात मैंने देखा भाई तेने के काम होया था योगी होंदा वे हेलीकॉप्टर का फूल भी बरसाते, और जो ये मुल्ले फालतू बोले नहीं हेलीकॉप्टर का जवाब देता इनते पहाड़ा में बुआ बस दिन बखड़ी चलवाया था बुलडोजर चलवाया के चलवाया हाईकोर्ट तई बादिश आ गए बंद करवा दी 2500-250-300 घर फोड़े उन्हें के कर दिया वहाँ घर फोड़े तो क्यों है? अच्छा घर तोड़ने से जो मानस लड़ाई कर रहे हैं उन्हें फोड़ना घर फोड़े तो क्यों हो जाएगा? घर फोड़ने से कुछ नहीं क्या होगा? घर फोड़े था उनको सबक सीखने को मिल घर फोड़े था जो इसमें मैटर में नहीं दे उनके भी घर फूटे हैं। ये बात भाई सही बात कही ना भाई ना, तो घर फोड़ने से क्या हुआ मतलब जो निर्दोष है उनके भी घर फूट गए। सांप ने मारो ना सीधा और ना क्यों मार दिया? कौन है वो सांप? सांप वो मामन खान है ठीक है, वो करवा रहा सारा विरोध हर इसमें हरियाणा में मिनी पाकिस्तान है। हरियाणा में मेवात मिनी पाकिस्तान हो रहा है मेरे भाई ठीक है। सबसे ज्यादा गौ माता हरियाणा में कट रही मेवात में। कौन कटवा रहा? मामन खान। एक गौ तस्कर पकड़ा था उसने खुद गया कि गाड़ी मेवात में मामन खान के घर जाओगी उनके घर प्रोग्राम है। अच्छा उनके घर पे जाए उनने मामन खान ने इस गाड़ी का मालिक उनने मंगवाई गाड़ी। अच्छा हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और मतलब फिर भी गाय कटने से नहीं रुक रही भाई। बात है उसका गाँव का मुखिया ये होगा तो गाँव का क्या होगा ठीक है। तो लाख क्या अपने उधर खट्टर जो है इस तरह खटा रहा है ठीक है, इसने चेंज करो। कौन आने चाहिए फिर? इस अच्छा है इस बीजेपी में योगी है, अमित शाह, मोदी है, तीन बंदे सोलिड है, खट्टर खटा रहा है। इस अच्छा ये है जो के नाम था ना अनिल विज, सोलिड बंदा सीधी फिल्टर पाड़ा भाई। अच्छा अनिल विज। अच्छा मोदी जी क्यों बढ़िया लग गया आपने? मोदी जी भाई जो एक्शन लेवा सीधा लेवा ठीक है, किसी की कोई दबाव नहीं कुछ नहीं। मोदी ने तो कुछ भी नहीं बोला मेरी बात के ऊपर ना बोले हो घर का मालिक। एक बात बताइए पूरे घर ना संभाल लेगा ठीक है, वो भी तो क्या होगा कि भाई तू इन्ना संभाल तू इन्ना संभाल, उसके हाथ में सारा सौदा और वो किस किसी ने देखा है ठीक है। मोदी क्या कर लेगा इकल्ला? मोदी मणिपुर में आपने पता है मणिपुर में जो है बेटियों के साथ उनको नंगा घुमाया, उस पर भी नहीं बोले मोदी जी ने, वो भी गुमराह कर दिया भाई साहब। सब मिले भी करते हैं ठीक है, कुछ नहीं है गवर्नमेंट के बस की कुछ नहीं रहा। हिंदू संभालेंगे जो होगा हम आपको देख लेंगे, मरेंगे एक दिन सब ना मरना। अच्छा राहुल गांधी जी कैसे हैं? राहुल गांधी जी मतलब लोगों से मिल रहे हैं, जो मैकेनिकल है उनसे मिल रहे हैं, सब्जी वाले हैं उनसे मिल रहे हैं,
तो वो कैसे अगर जो प्रधानमंत्री बना दिया जाए 2024 में तो कैसा रहेगा भाई? राहुल गांधी नुकरा पप्पू है, पप्पू रहो होगा, ठीक है। बीजेपी सरकार है, हिंदू की सरकार है, जो कांग्रेस आएगी तो देश का नाश है। कांग्रेस जो राहुल गांधी बड़े पढ़े लिखे हैं नेता है वो पप्पू है भाई। पढ़े लिखे तो कुछ नहीं होता, एक हुआ पढ़े होया, एक हुआ कटे होया, पढ़े हुए तो बढ़िया हुआ कटे होया, जिन्हें सारी चीज़ें ज्ञान हो, ठीक है। राहुल गांधी ने के पेरा वो दोनों के बाद गंडे लग गए, गंडे पे गुड़ कब लगेगा? अच्छा अच्छा, तो इसलिए ठीक नहीं हो? ठीक नहीं है भाई, बीजेपी सरकार सही है, खट्टर ने बदलो बस। अच्छा भाई क्या नाम है? भाई साहब कपिल मेरा नाम है। अच्छा कपिल जी, क्या हरियाणा का मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहोगे? प्रधानमंत्री तो बाबू जी 2024 में चुनाव होने वाले आपने पता है, तो दोबारा किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सेंटर में तो देखो मोदी को ला नहीं सकता कोई, हरियाणा में टिकट ही है। मोदी की तो उम्र हो जाएगी, फिर कौन आएगा उसके बाद? तो योगी ही है उसके बाद। हमारे हरियाणा में तो उम्मीद करिए भाई, हरियाणा में भी योगी सरकार ही संभाले, CM योगी आए और देश का प्रधानमंत्री भी CM योगी बने, भाभी हम तो ये सोचते हैं। अच्छा मोदी जी क्यों बने बार बार प्रधानमंत्री? बस हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सपना, हम भी सोचते हैं उनका सपना पूरा हो। और अच्छा क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बाबू जी, यहाँ पे ना जातिवाद, हिंसा ज़्यादा हो रही है, हिंसा ज़्यादा हो रही है, हिंसा को रोकना। अच्छा क्यों बनना चाहिए जी हिंदू राष्ट्र? अरे जी भी हिंदू इतने मुस्लिम कंट्री होगी तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नेपाल है, नेपाल में राष्ट्रीय माता गौ माता है, ठीक है। हिंदू नहीं, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता ये। अच्छा ये बात है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता ये। अच्छा पाकिस्तान में भी रहते हैं हिंदुस्तान वाले, उनका नाम तो आता नहीं। अच्छा गदर 2 आई है, गदर 2 कैसा कह रहे हैं? देखिए आपने? देखिए भाई क्या देखिए उसमें? उसमें सही देखा, सही कर रहे हैं उनके लोग, सही बढ़ गए, पिटे ले आया भी काट गए। उसमें देखा था ना जी, वो बॉर्डर क्रॉस करा जो मिलिट्री का उनका वो है, वो के बुझ जाऊंगा। मैंने तो खैर गदर देखी, लेकिन आप बता हिंदू वो बुझ जाए, मुसलमान जावे एक वो हैदराबाद का मुसलमान था ना, बोले हिंदुस्तान में क्या है उन्होंने, बोले ठीक चल रहा है जी। उस मुसलमान का गणा मैरिज आओ भाई यार, मुसलमान पिटा जाए बढ़िया डाल, ठीक है। फिर जो यो सनी देओल का छोर हुआ है यू इसका बुझ जाए, फिर वो खुद के बहनों बोलिया हिंदुस्तान ऐसा है कि बदला ले उनके साथ। वो अपनी तरफ तो बोल रहा है पर वे समझा कि वो मुसलमान है, हमारी तरफ बोल रहा है, ये बात है भाई। अच्छा ये हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज होंगे कुछ, कहीं ना कहीं लगता है कुछ ऐसी बात कही है मूवी में? हिंदुस्तान के मुसलमान तो कुछ आधे ऐसे भी है जो खुद नुआम श्री राम के वंशज है। अच्छा अच्छा, जो 2-4 है नहीं ये भिड़ाने की सोच रहे हैं, ये कर रहे जो कर रहे भाई। हाँ अच्छा गदर मूवी में कुछ ऐसी बात नहीं कही जो मुसलमानों को ठेस पहुंचे? ना अगर ऐसा होता तो हड़ताल हो जाती है, कुछ ना कुछ मुद्दा उठता भाई, ऐसा बोला गया जातिगत सूचक वर्ड तो यूज किया नहीं गया उसमें अभी तक। अपने देश को कोई भी मान बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान तो नाराज होगा ना? क्यों नाराज होगा पाकिस्तान, के क्या उसमें गलत कुछ कह रखा है? ही है कोई भारत में कोई भी मूवी निकलती है ना वो तो दुश्मनाई वाली बात है ना कोई पॉइंट। पिछली बार नलका पड़ा था देखिए आपने तो मूवी, की बार जिम नलका पड़ा लग गया सारी मिलिट्री और जो आगे हुए आतंकवादी थे नहीं वे उसका मारना यार, उन्होंने नलका देखा नलका पड़न बैग गया खड़ी ठा दी, उन्हें बैग गए वे मुंडी डाल। अच्छा हाँ पैटे नहीं हुए, पैटे नहीं अगर यार नलके तो वे बैग गए, पहले लीडर का बैग गए। अगर जब रियल में गदर मचेगी ना तो इससे ज़्यादा खोफनाक मूवी बन जाएगी देश में, उड़दंग मचाने वाली बात। अरे खट्टर की बात सुनो भाई, खट्टर की CM सिटी है करनाल, ठीक है। सबता ज़्यादा धांधली वहाँ हो रही है गौ माता की, ठीक है। जो गाडिया बनी CM सिटी करनाल है वहाँ तक पुलिस वाले रिश्वत ले लेगा गाडी ले भेज रहे हैं मेरे भाई। करनाल तक गाडी आगे पानी पेट्रोल पर पकड़ी गई गाडी करनाल ने तो आई है वह पुलिस वाले सारे सो रहे है गए जी हम यहाँ गाडी पकड़ रहे टोल पे, तो पुलिस वाले ने कुछ करना चाहिए, पुलिस वाले रिश्वत लेवा छिक्का लेवा भाई। देखे हमने पर गाडी पकड़ी है भाई, रातों घूम है आप रातों घूम? हाँ गौरक्षा दल में भाई। किसकी गाडी पकड़ी है? पुलिस वालों की नहीं, मुझे जो गो तस्कर है इनकी। पुलिस वाले देखे आप तक? पुलिस वाले हमने करनाल गए गाडी पकड़वाई, पुलिस वाला का नाम तो पता नहीं मैंने नु, बोले जो मैं गाडी छोड़ू अपने छोरे का मांस खाऊं, अपने छोरे ने काट का खाऊं, मारे घर के ना मेरे तैयार वो नहीं दी नू नहीं दी, मैं हिंदू हूँ ये हूँ फलाना टिकटा। पर 1 बजे रात ना मारे तो उल्टा फोन आ लिया अग भाई वह गाडी जा ली असंत लिकट ली गाडी, वह गाडी छोड़ दी पीछे देगा छोड़ दी गाडी छाजपुर की सुन छाजपुर में गाडी पकड़ी थी अपने ही भाई दे, वहाँ क्या करे उन्हें गौ मांस की गाडी दी, पुलिस स्टेशन आकर गाडी पकड़ी
पुलिस एफआईआर साथ के साथ करा दी, कोई एक्शन नहीं, गाड़ी खड़ी कर ली। अगले दिन मारे हुए भाई है जो उनके ऊपर केस घेर दिया 5,000 रुपये छीनने और लूटपाट करी और गाड़ी तोड़ी। भाई जो ये दिन रात घूम रहे हैं 12-12 बजे फोन आकर चले जाए, ये 5,000 रुपये के ऊपर ये गाड़ी लुटेंगे नू बता। उल्टे पुलिस वाले ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया, हमारे भाई के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं करी। बिल्कुल भाई, तो ये गौ रक्षक होगा आप? गौ रक्षक दल में भाई। अच्छा, गौ रक्षक दल में। हाँ जी। अच्छा, मोनू मानेसर के बारे में जान? मोनू मानेसर जानू भाई। कैसे बंदे हैं? सोलिड बंदा भाई। जो ये रस्चिकार है इसके खिलाफ बोल रहा कि ये है वो है। भाई यार रस्चिकारा था, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 4 महीने पहले तू 20 किलो सेल्फी लेकर फोटो खिंचवा रहा था, घेर रहा था अपना भाई मोनू मानेसर, आज उसके खिलाफ क्यों बोल रहा? यह बात जानना चाहूँगा भाई मैं उसका। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई जो मोनू मानेसर है वो गाँव की तस्करी करा है, खुद अपने आप गाँव की तस्करी करा रहा है, लाइव आकर के जो रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग सुन नहीं, उसमें खाली के रखा मेरे भाई 11,000 रुपये मोनू मानेसर भाई, उन्हें लेनी होगी तो मंथली सारे मुसलमान ना ले ले गो, मड़ी हार मत देंगे, चल रहा भाई सिक्का आज के टाइम में छोड़ेगा मोनू मानेसर। हाँ, लाखों का बचा ले उन्हें, एक गाना कटवा कर 11,000 रुपये में क्या कर लेगा नू बता मेरे भाई। लेकिन वीडियो में मेरे के रखे सुनी होगी, इतना ध्यान दें 11,000 रुपये मोनू भाई, खाली मोनू भाई 50,000 रुपये 55,000। हाँ, मोनू भाई एक ही मोनू है गे, मोनू मानेसर ले रखे हो भाई का नाम, सही मोहित नाम है, ठीक है, मोनू नाम के नाम, मोनू मानेसर के नाम तो फेमस है, उन्ना बस नु के रखे 11,000 रुपये मोनू, मोनू मानेसर का कड़ी नाम है रहे हो बताओ मेरे भाई, पहले की जिंदगी के बेरा कौन कैसी जी रहे हो, ठीक है, पहले के ऊपर कोई डिपेंड नहीं भाई, गोरक्षा दल में रहा, गौ की सेवा कर रहा, बस उसका ये फर्ज है, 11,000 रुपये के चक्कर में वो ये गौ कटवा हो गया। अच्छा, मान लो मतलब यार शिकारा सारी बात झूठी बोल, झूठी बोल रहा भाई, मैंने रात वीडियो सुनी, प्रूफ के साथ दिखा रहा है सारी चीजें, वो जो मोनू मानेसर के साथ लड़कियों की फोटो वायरल कर रहा हो देखा आपने, वो लड़कियों की तो खैर ब्लर कर रखी थी फोटो, वो क्या झूठी है? झूठी नहीं, एक बात बता मेरे भाई। नहीं आप मानोगे इस बात का? बताऊंगा, लाइफ सब जीना चाहो, ठीक है। गोरक्षा दल नेहरू था, नेहरू नहीं घूम करा था, बता प्रधानमंत्री था, तो यू भाई ये आम आदमी है, सेवा तो कर रहा, सेवा नू थोड़ी के आगे छोरियों के साथ नहीं घूमा, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ हो कुछ करो, अलग अलग लड़कियों के साथ में। जी बाबा, ऐसा ही समाज में ऐसा क्या संदेश जाओगे यार? अलग अलग फ्रेंड भी हो सका, गंदी पिक्चर वायरल, वो गंदी पिक्चर थोड़ी है कोई, वैसे तो है फ्रेंड भी तो हो सका भाई, ये बात भी हो सके। बस फिर बरे भाई नाम चल रहा भाई छोरे का, सही चल रहा भाई के साथ हम बात दे रहा था ना भाई। जो उनकी जो मुसलमान दो मुस्लिम लड़कों की हत्या करी थी, मोनू मानेसर का नाम आया था इसमें, क्यों भी झूठा है? झूठा नाम है मेरे भाई, वो कैसे कह सकूँ? बस झूठा नाम है जी भाई, नहीं था भाई यही तो मतलब मेरे बात में जो प्रकरण हुआ है, जो उसका कांड हुआ, तो उसकी वजह से तो होया शायद, उसकी वजह तो ही होया, ये मोनू मानेसर के ऊपर सारे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जो वो था क्या नाम था उसका, मुसलमान मरे जो गाड़ी में चलाए थे, उसे नरक ना, जो ये दो थे नहीं भाई, ये गो तस्कर कर रहे थे, के मेरा कौन था भाई, जो भी था सही था मेरे भाई, सही जलाए हुए, वैसे तो मानते नहीं, एक गाड़ी पकड़ी थी, एक सरदार था गाड़ी में गो तस्कर कर रहा था, अगली बार गाड़ी पकड़ी हो सरदार उस गाड़ी में मिला, प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों छोटा भाई प्रशासन ने? चलो भाई, ये बाइकों रक्षक है और इनसे बातचीत करिए, काफ़ी चर्चा हो गई है, और क्या लगता है वीडियो को देख करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।